Hello friends, I am Vishwajit Dash and welcome you to thementalclub.com and आज मैं बहुत दिन बाद आया हूँ आपके साथ एक अनबॉक्सिंग लेकर। जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो है एक माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो माइक्रोफोन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है Zoom H1। आप देख सकते हैं इसका जो नेम है Zoom H1, लेकिन मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Zoom H1n जो मैं रिसेंटली लिया है। 15 अगस्त की जो ऑफ़र था उस ऑफ़र ने बहुत सारे डिस्काउंट मिला मुझको, इसलिए मैंने दो माइक्रोफोन खरीदे हैं। तो इस माइक्रोफोन को मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं जो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इसका मॉडल नंबर है Zoom H1, लेकिन जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उसका मॉडल नंबर है Zoom H1n। ये अपग्रेडेड वर्जन है, Zoom H1 का अपग्रेडेड वर्जन। चलिए इसको फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलिए, मेरे पास दो चीज़ है, एक है माइक्रोफोन और एक है उनका एक्सेसरीज पैक। मैं इन दोनों को अनबॉक्स करने वाला हूँ और अभी मैं बात कर रहा हूँ Zoom H1 माइक्रोफोन पर एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा के। एंड चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आप देखिए, मैंने लिया खरीदा है इसको। ये है उनका ओवरव्यू, पैकिंग आप देखिए बहुत ही सुंदर। एंड स्पेशली मैसेज जो खुद को मेरे को अच्छा लगा वो है वी आर फॉर क्रिएटर्स। दैट मीन्स Zoom जो कंपनी है ये जो माइक्रोफोन बनाया है ये ओनली फॉर यूट्यूबर्स के लिए है, क्योंकि ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक माइक्रोफोन है। आप उल्टा पल्टा कोई भी माइक्रोफोन है उनको मत खरीदो। आपको इन्वेस्ट करनी है तो आप Zoom पर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो आप खरीदते हो माइक्रोफोन 500 रुपीस का हो, चाहे वो 4000 रुपीस का हो, चाहे वो 1000 रुपीस का हो, चाहे वो 200 रुपीस का हो, लेकिन सबसे जो बढ़िया माइक्रोफोन है वो है Zoom का, जो यूट्यूबर के लिए है। चलिए इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। चलिए, तो इसका जो प्राइस है आप देख सकते हो 7999 रुपीज़ दिखा रहा है, लेकिन इस माइक्रोफोन इंडिपेंडेंस डे पर ऑफर था। ये माइक्रोफोन मेरे को मिला 4740 रुपीज़ पर, बहुत सारे डिस्काउंट मेरे को मिला। आप भी चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा इसका प्राइस कितना है। और बहुत ही ज़्यादा प्राइस है तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं। वेट करने से क्या होगा, वो लोग कुछ समय समय पर प्राइस को बदलता है और आपको ऑफ़र देता है 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट। मैंने बहुत दिन से वेट किए थे एंड मैंने देखा है कि जो प्राइस है वो प्राइस चेंज होता रहता है, तो आप भी वेट कर सकते हैं प्राइस चेंज होने तक। अभी का जो प्राइस है, मेरे को लास्ट जो मैं प्राइस देखा उनका वो प्राइस है 5990 रुपीज़ प्राइस है, 990 रुपीज़ प्राइस है, लगभग 6000 के आसपास प्राइस है। लेकिन आप कुछ दिन वेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। आप चेक करते रहना पड़ेगा आपको प्राइस जो, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट है, वो लोग बड़ा कमा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर जो है, पहले मुझे को जो मिल रहा है वो है एक यूज़र गाइड मैनुअल Zoom की तरफ से, एंड बहुत सारे चीज़ यहाँ पर है। क्विक गाइड, इसको आप मत फेंको, क्योंकि यहाँ पर Zoom का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का की यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप संभाल के रखें, क्योंकि इस कोड को यूज़ करके आप इसका ड्राइवर, इसका जो सॉफ्टवेयर है ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं Zoom के ऑफिशियल वेबसाइट पर।
ठीक है, यह है वारंटी कार्ड। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मेन जो माइक्रोफोन, यह है माइक्रोफोन एंड जो बैटरीज है वो है ट्रिपल ए बैटरी। रिमोट का जो बैटरी होता है वो दिया गया है डबल बैटरी, लेकिन Zoom H1 का जो बैटरी है वो सिंगल है, आप देख सकते हो सिंगल है। जो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो रिचार्जेबल बैटरी है, लेकिन Zoom H1n पर दो बैटरी दिया गया है, छोटा छोटा दो बैटरी, ट्रिपल ए साइज का बैटरी है। जो रिमोट में यूज़ करते हो आप लोग वही बैटरी दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं अंदर क्या है। ये नॉर्मली एक छोटा सा पाउच दिया गया है, ये कोई सॉलिड पाउच नहीं है। तो इसके अंदर जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही लाइट वेट का है, Zoom H1 के तरह वेट नहीं है इसका, बहुत ही लाइट वेट का है। लेकिन इसका जो फिनिशिंग है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है। इसका ऑडियो क्वालिटी जो है, मैंने आपको पहले ही बोला जो मैं दो माइक्रोफोन खरीदे हैं, तो इसका जो क्वालिटी है ऑडियो क्वालिटी ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको ऑडियो का सैम्पल भी दूंगा। मैं आज जो वीडियो में बना रहा हूँ इसका कोई भी एडिट मैं नहीं करूँगा, Zoom H1 का भी एडिट नहीं करूँगा, Zoom H1n का भी एडिट नहीं करूँगा। नॉन एडिटेड, दैट मीन्स व्हिच इज़ अनएडिटेड ऑडियो आपको मैं दूंगा। तो चलिए इसके साथ जो पैकेट जो आता है इसके साथ कुछ भी नहीं है, ओनली माइक्रोफोन है एंड बैटरी है, मेमोरी कार्ड भी नहीं है, मेमोरी कार्ड आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक एक्सेसरीज पैक लिए है। एक्सेसरीज पैक के अंदर जो है इसका स्टैंड है, जो स्टैंड आपको रख के रिकॉर्ड कर सकते हो, इसका स्टैंड है और पॉप फिल्टर भी है इसके साथ, और चार्जर है एंड डेटा केबल है एक्सेसरीज पैक के अंदर। चलिए एक्सेसरीज पैक को हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो इसके इसको मैं बाद में आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगा। चलिए अब देख लेते हैं एक्सेसरीज पैक में क्या क्या है। तो एक्सेसरीज पैक में आपको ज़रूरी नहीं है तो एक्सेसरीज पैक मत खरीदें, क्योंकि एक्सेसरीज पैक का जो प्राइस है वो बहुत ही हाई है। मेरे को नहीं लगता इतना प्राइस उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेसरीज पैक का जो प्राइस है वो 2700 रुपीज़ है। 2700 रुपीज़ का कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जो है एक स्टैंड है जो कि 200 रुपीज़ का प्राइस मैक्सिमम वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही हाई प्राइस वो लोग ले रहा है। जो पॉप फिल्टर है वो 20 रुपये का है, लेकिन वो लोग बहुत ही प्राइस ले रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा एक्सेसरीज पैक मत खरीदो यार, बाहर से कोई अलग माइक्रोफोन का स्ट्रॉन्ग कोई स्टैंड खरीद लो उस पैसे से, क्योंकि 2700 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा है। इस एक्सेसरीज पैक का जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो अब देखिए ये भी Zoom H1n एक्सेसरीज पैक। तो इसके अंदर जो है वो बता रहा है वाइड स्क्रीन, एसी अडैप्टर, यूएसबी टाइप, यूएसबी केबल, एडजस्टेबल ट्राइपॉड स्टैंड, पैडेड सेल केस, माइक क्लिप अडैप्टर। तो चलिए देखते हैं इसका जो प्राइस है। यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है जो प्राइस है, हाँ लिखा है इसका प्राइस 2900 रुपीज़ लिखा है, लेकिन ये मेरे को मिला है 2700 रुपीज़ पर। एंड चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए जो मैं बता रही थी
ये है एक कवर, माइक्रोफोन को अंदर रखने के लिए एक कवर है, इसको अंदर रख के आप यूज़ करने के बाद अंदर रख सकते हो। तो ये कवर बहुत ही सॉलिड है, इसका प्राइस लगभग 1000 रुपीज़ होता तो ठीक होता, सॉरी 1000 बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसका प्राइस लगभग 200 से 300 होता तो बहुत ही अच्छा होता। ये जो केबल है 50 रुपीज़ का केबल है, 200 रुपीज़ एंड इट इज़ 50 रुपीज़। नॉर्मली आपके फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज करने के लिए जो केबल होता है वही केबल यहाँ पर दिया हुआ है, USB Type-C एंड इसका जो अच्छा लगा मेरे को वो है स्टैंड। इसका प्राइस लगभग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकता है, लेकिन ये है 200 रुपीज़ का, ये है 50 रुपीज़ का, ये है 500 रुपीज़ का। ये बहुत ही अच्छा एक स्टैंड है, बेहतरीन क्वालिटी इसका। आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हो ऐसे, मैं बाद में करके दिखाऊंगा। यह है पॉप फिल्टर, ये भी बहुत ही क्वालिटी पॉप फिल्टर है, अलग से जो पॉप फिल्टर आता है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये मैं अलग से ख़रीदा, ये इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही सुंदर है। आप ख़रीदोगे तो आपको पता चलेगा इसका क्वालिटी बहुत ही, जो मैं अलग से ख़रीदा हूँ उसका क्वालिटी बहुत ही चीप क्वालिटी है। तो इसका जो पॉप फिल्टर है वो बहुत ही अच्छा है, तो इसका प्राइस मैं 50 रुपीज़ रखता हूँ। चलिए 200, 50 एंड 50, 300 एंड इसका जो स्टैंड है इसका प्राइस है 500, टोटल 800 रुपीज़ हो गया है। इसका कोई काम का चीज़ नहीं है, ये आपको स्टैंड में लगाना है तो स्टैंड में ऐसे रख कर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काम का चीज़ नहीं है, काम का चीज़ है लेकिन आप यू स्टैंड बड़ा सा स्टैंड यूज़ कर सकते हो, करोगे तो इसका यूज़ होगा, नहीं तो ये इसका ये कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट जो आता है ये है चार्जिंग एडाप्टर, तो इसका ये जो बैटरी है ये रिचार्जेबल नहीं है, इसको ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको नया बैटरी ख़रीदना पड़ेगा, मैं भी नया बैटरी खरीदे है जो रिमोट में यूज़ होता है। इसका प्राइस 10 रुपीज़ पर पीस है, आप खरीद सकते हो। एंड इसका जो एडाप्टर है ये भी सपोज़ इसका 100 रुपीज़ प्राइस है, तो सब मिला के इसका प्राइस जो एक्सेसरीज पैक है सब मिला के 1000 रुपीज़ होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन इन लोगों ने प्राइस लिए है 2700 रुपीज़, 2700 रुपया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक्सेसरीज पैक जो है वो मत खरीदो, ओनली माइक्रोफोन आप खरीदो। एक्सेसरीज आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप एक पॉप फिल्टर खरीदो, पॉप फिल्टर आप अलग से जो पॉप फिल्टर मिलता है अमेज़न पे वो 100 to 150 रुपीज़ का होता है, आप उसमें 3 पीसेस और 4 पीसेस पॉप फिल्टर मिलता है, आप उनको ख़रीद लीजिए और एक माइक्रोफोन ख़रीद लीजिए, और हो सके तो एक बहुत ही लंबा सा एक स्टैंड खरीद लीजिए स्टैंड में रखकर रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि 2700 रुपीज़ में एक बहुत ही अच्छा स्टैंड आपको मिल जाएगा। आप ये जो एक्सेसरीज पैक है इसको मत खरीदो, ओनली माइक्रोफोन खरीदो, क्योंकि माइक्रोफोन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का माइक्रोफोन है। अब मैं इसको बैटरी लगाने वाला हूँ,
ये जो बैटरी है, बैटरी आप रिचार्जेबल यूज कर सकते हो, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी भी मिलता है ट्रिपल ए साइज का, आप उसको खरीद अलग से खरीद के यूज कर सकते हो। चलिए इसको बैटरी हम लगा लेते हैं एंड यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया गया है। इस बटन को आप देखिए, ये है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा केबल यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफ़र रिकॉर्डेड फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। ये है पावर बटन, इसको आप इधर पुश करोगे तो आपका जो ऑन हो जाएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए, वही रहने दो आप इसको। देखिए यहाँ पर जो मैसेज दिख रहा है, देयर इज़ नो एसडी कार्ड, बिकॉज यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी नहीं है, आपको मेमोरी कार्ड अलग से ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन जूम H1 का जो एक्सेसरीज पैक था उसमें मेमोरी कार्ड भी था, लेकिन जूम H1n पर मेमोरी कार्ड नहीं दिया गया है, आपको मेमोरी कार्ड भी अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मेमोरी कार्ड है, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। ये है मेरा मेमोरी कार्ड, इसका साइज है 4 GB, आप 32 GB तक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं डाल लेता हूँ। चलिए, मेरा हिंदी टिक टक नहीं है, आप मुझे मेमोरी कार्ड डाल लिया है, आप इसको मैं ऑन कर लेती हूँ। देखिए मैं, मेरा जो माइक्रोफोन है वो ऑन हो रहा है। इनवैलिड एसडी कार्ड ये दिखा रहा है शायद। अच्छा ठीक है फॉर्मेट कर लेती हूँ। ओके, अब ये फॉर्मेट हो रहा है। हाँ, आप ठीक ठाक है। आप यहाँ पर आप देखिए, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो टाइम दिखा रहा है वो है 6 hours 19 minutes, ठीक है, 6 hours 19 minutes and 38 seconds। इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी डिपेंड करता है आपके बैटरी पर कितना चार्ज है एंड आपका ऑडियो का क्वालिटी, दैट मीन्स कौन सा बीट आप सिलेक्ट कर रखे हैं, कौन सा फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर रखे हैं एंड आपका मेमोरी कार्ड का साइज, दैट मीन्स कैपेसिटी। ये तीन मिला के आपका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो बनता है। अब यहाँ पर देखिए ऑडियो पर यहाँ पर दिखा रहा है, आप देखिए 44K and 16 bit। आप इस ऑडियो बटन को क्लिक करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग के लिए, आप देखिए MP3 क्वालिटी दिखा रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप MP3 क्वालिटी मत यूज़ कीजिए, आप WAV क्वालिटी आप यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों, इन दोनों क्वालिटी ही आपको मिलेगा, एक MP3 एक WAV, क्योंकि WAV क्वालिटी का जो रिकॉर्डिंग फाइल है उसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है। आप इसको मैं बोलूँगा 96K and 24 bit रखने के लिए, क्योंकि यही सबसे अच्छा एंड हाईएस्ट क्वालिटी है इस माइक्रोफोन पर। एंड सेकेंडली आपको और एक चीज़ बताऊँगा कि आप इसका जो लिमिट है, इसका जो गेन है, इसको आप 7 से 8 पर रखिए। आपके पास बहुत ही, आप कहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके पर डिपेंड करेगा ये रेंज। आपके पास बहुत ही, घर के पास जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसके बगल में कोई नॉइज़ है तो आप इसको बड़ा कमा कर सकते हैं, उसको आप रेंज लोअर रेंज में रिकॉर्ड कीजिए, आपको बाहर का जो नॉइज़ है वो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो बाहर का जो साउंड है वो
इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं आपको बोलूँगा जो 6 to 8 इसमें ही रखिए इसका रेंज, तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेनू दिया गया है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल यहाँ पर एक्सटर्नल माइक्रोफोन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसको सुनने के लिए आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन है एंड जो स्टैंड है स्टैंड पर आप इसको लगा सकते हो। स्टैंड का क्वालिटी मुझे लग रहा है पहले वाला जो स्टैंड था मेरे को जो जूम H1 पर मिला था वो बेहतरीन था। ये बहुत ही लाइट वेट का लग रहा है, ये स्टील का है लेकिन बहुत ही लाइट वेट का लग रहा है मुझे। लेकिन पहले वाला जो था वो बहुत ही हेवी वेट का था, उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। मुझे लग रहा है ये इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा घटा दिया गया है। एंड इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो माइक्रोफोन जो दिया गया है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। आप जब भी रिकॉर्ड करें तब आप पॉप फिल्टर को यूज़ कीजिए, क्योंकि पॉप फिल्टर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास कोई नॉइज़ होगा तो नॉइज़ को जो एयर का जो साउंड होगा वो भी नहीं इसमें आएगा। बहुत ही टाइट है पॉप फिल्टर। ठीक है, मैं उसको नहीं लगाती हूँ। आप लगा के आप रिकॉर्ड करेगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मिलेगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप पॉप फिल्टर लगा के ही रिकॉर्ड कीजिए एंड ऑडियो का जो क्वालिटी हो है वो 96K एंड 24 bit पर ही रखिए, क्योंकि यही इस फॉर्मेट ही सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है इस माइक्रोफोन का। एंड ऑडियो एडिटिंग करने के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। इन खुद जूम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। आप उन लोगों की वेबसाइट में जाकर ये जो कोड दिए गए हैं उनके तरह इस कोड को यूज़ करके आप ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तो चलेगा वो। एडोबी ऑडिशन इज़ द बेस्ट मेरे ख्याल से। एडोबी ऑडिशन जो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यही था आज का रिव्यू। तो मैं इसको इस माइक्रोफोन से बात करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जूम H1n। आप देख सकते हो मेरा जो माइक्रोफोन का मॉडल नंबर है वो है जूम H1a। जो आप आवाज़ सुन पा रहे हो वो जूम H1n का है। मैंने इस वीडियो में जो भी ऑडियो है जूम H1 का और जूम H1n का मैंने एडिटिंग नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप समझिए जे इन दोनों में फर्क क्या है। दैट मीन्स क्वालिटी का जो डिफरेंस है आपको पता चले। अब देखिए, मैंने कहीं भी ऑडियो का एडिटिंग नहीं किए है आपको दिखाने के लिए। तो मेरे ख्याल से दोनों ही बेहतरीन है ऑडियो क्वालिटी में। तो इसका कुछ फीचर्स अपडेट किया गया है, इसीलिए इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। इसी फीचर्स का उपयोग करके आप फैन चला के भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें फैन का जो आवाज़ नॉइज़ वो इसमें नहीं आएगा। जो ऑटो कट और जो लिमिट फीचर्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो लेवल है वो है 6 ऑडियो लेवल। जो लेवल है, जो यहाँ पर लेवल का जो बटन है, इस लेवल 6 पर है अभी। एंड अभी मैं मेरा जो फॉर्मेट है वॉप फॉर्मेट
मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड इसका जो क्वालिटी है वो 96x24। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऑडियो है। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये जो एडाप्टर है ये चार्जिंग करने के लिए नहीं है। इसको आप यूज़ करके जब भी आपको जो बैटरी है ख़त्म जब हो जाएगा तो इसके आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक में लगा के आप इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी बैटरी। तो ये चार्जिंग के लिए ये नहीं है। और जो डेटा केबल है, इस डेटा केबल को आप यूज़ कर सकते हो डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो इसको कनेक्ट करके पहले जो रिकॉर्डिंग का जो डिवाइस का स्विच है, पावर स्विच, उसको ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मेमोरी कार्ड आपकी पीसी पे जो भी डिवाइस पे आप कनेक्ट कर रहे हो ऑडियो फाइल लेने के लिए उस पर मेमोरी कार्ड शो नहीं करेगा। तो आपको इसका जो केबल है डेटा केबल, इसको कनेक्ट करके पावर केबल पावर ऑन करना पड़ेगा आपको। तो यही था आज के ट्यूटोरियल, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा। मेरा हिंदी ठीक ठाक नहीं है, मैं कोशिश किए है और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में उसका आंसर देने की। तो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसको ख़रीद सकते हैं अमेज़न में भी, फ्लिपकार्ट में भी। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप इसको अमेज़न में ही ख़रीदिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट में इसका दाम बहुत ही ज़्यादा है। अमेज़न में अभी जो दाम चल रहा है इसका प्राइस वो है 599, यानी कि 6000 के आसपास है। तो आप रेगुलरली चेक कीजिए, इसका प्राइस फ्लैक्चुएट करता रहता है, क्योंकि आप रेगुलरली चेक करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को फॉलो कीजिए इसको परचेस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.